हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे चैनल पर। आज के इस सेशन में मैं आपको बताऊंगा कि YouTube मार्केटिंग और YouTube प्रमोशन हम किस तरह से करते हैं Google AdWords के जरिए से। अगर आप इस चैनल पर नए हो तो यहां पर सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकॉन पर क्लिक कीजिए ताकि आप हमारे लेटेस्ट अपडेट्स ले सके। तो चलिए दोस्तों, आज के इस टॉपिक में मैं आपको बताता हूं कि YouTube प्रमोशन किस तरह से हम करते हैं। तो सबसे पहले याद रखिए कि जब भी आप YouTube चैनल लॉन्च करें या अगर आप YouTube चैनल खोलें, तो एक चीज आपके जहन में ये रहेगी कि अगर मैं क्वालिटी कंटेंट बनाऊंगा, अगर मैं बहुत ही बेहतरीन कंटेंट बनाऊंगा तो ऑटोमेटिकली यूजर्स आपके पास आ जाएंगे। अगर आपकी ये सोच है तो बिल्कुल ये सोच गलत है। वो इसलिए क्योंकि YouTube आज के जमाने में एक एजुकेशनल प्लेटफॉर्म के बजाय एक एंटरटेनमेंट प्लेटफॉर्म की तरह ज्यादा यूज किया जाता है। तो आप यही भी देखते होंगे कि कई ऐसे यूट्यूबर्स होते हैं जिनके क्वालिटी ऑफ कंटेंट बहुत ही बेहतरीन होता है, लेकिन उनके सब्सक्राइबर्स बहुत ही कम होते हैं, उनके व्यूज बहुत ही कम होते हैं। और उसी अपर ऑपोजिट देखेंगे तो कई ऐसे यूट्यूबर्स होते हैं जिनका कंटेंट बिल्कुल फालतू का होता है, किसी तरह का जो है वैल्यूबल इंफॉर्मेशन नहीं होता। ऐसे लोगों का आप चैनल देखेंगे तो मिलियंस ऑफ सब्सक्राइबर्स होंगे। तो पॉइंट यहां पर यह है कि इसका डिफरेंस क्यों है। अगर एक अच्छा कंटेंट हो तो उसका ज्यादा सब्सक्राइबर्स होना चाहिए, लेकिन ये नहीं होता। वो इसलिए कि उस टाइम पर ज्यादा जो है कंपटीशन नहीं था और यूट्यूब एल्गोरिथम में सिर्फ व्यूज वगैरह देखकर जो है रैंकिंग करता था। तो आज के इस दौर में क्या ये काफी है, क्या ये कहना काफी होगा कि भाई मैं अच्छा कंटेंट बनाऊंगा तो ऑटोमेटिकली यूजर्स मुझे फॉलो करेंगे? नहीं। तो इस वजह से आपको मैं इस सेशन में बताऊंगा कि अगर आप एक चैनल ओन करते हैं तो उस चैनल को आप यूट्यूब एड्स से, यूट्यूब प्रमोशनल एड्स से किस तरह से ग्रो कर सकते हैं, क्या उसके बेनिफिट्स होंगे, क्या उसके फायदे होंगे। तो चलिए दोस्तों, यहां पर इस टॉपिक को मैं पहले आपको थ्योरेटिकल बात समझा दूं हम क्या करने वाले हैं, ताकि आप वीडियो आखिर तक देखेंगे तो आप तमाम प्रोसेस को समझ सकेंगे। तो सबसे पहले याद रखिए कि जब मैं यूट्यूब के बारे में आपसे बात कर रहा हूं, जब मैं अब यूट्यूब स्ट्रैटेजी के बारे में आपको बता रहा हूं, तो अब पॉइंट यहां पर याद रखिए कि यूट्यूब चैनल हमारे पास होना है, है ना। उसके बाद हम क्या करेंगे, उस YouTube चैनल के जो अच्छे वीडियोस है उसके उसको हम YouTube पर प्रमोट करेंगे। अब जब हम YouTube पर प्रमोट करेंगे Google Ads के जरिए से, तो जो हमारे कॉम्पिटिटर चैनल्स है, जो हमारे रेलेवेंट चैनल्स है, हम वहां पर हमारा वीडियो शो कर सकते हैं। तो उसके बाद जब लोग अपना वीडियो देखना शुरू करेंगे, देखिए लोगों के सामने आपका वीडियो पहुंचना बहुत इंपॉर्टेंट है। जब तक आप लोगों आपका व्यूज नहीं मिलेंगे तो लोग आपको जानेंगे नहीं, आपको सब्सक्राइबर ही नहीं करेंगे। तो इस वजह से यूट्यूब एड्स हम यूज करते हुए बिल्कुल 100% जेन्युइन मेथड से हम गूगल के हम यूट्यूब के गूगल एड्स के जरिए से यूट्यूब के व्यूज को, यूट्यूब के सब्सक्राइबर्स को, यूट्यूब के एंगेजमेंट को हम बढ़ाएंगे। अगर देखिए दोस्तों, हमारा भी चैनल है, मैं पहले बिल्कुल ऑर्गेनिक पर ही जो डिपेंड करता था, कभी हमने ज्यादा इन्वेस्टमेंट नहीं किया, लेकिन आप देख रहे होंगे कि अभी कुछ दिनों में हमारे सब्सक्राइबर्स थोड़े अच्छे बढ़ रहे हैं, क्योंकि हम बैक एंड पर इसका जो है पेड एडवर्टाइजिंग यूट्यूब के जरिए से कर रहा हूं। इस वजह से हमारा चैनल स्लोली ग्रो हो रहा है, क्योंकि मेरा गोल है 1,00,000 सब्सक्राइबर्स को रीच होना। तो बहुत जल्द मैं जो अपनी मार्केटिंग स्ट्रेटजी यूज करते हुए 1,00,000 सब्सक्राइबर्स को रीच करूंगा। तो चलिए दोस्तों, अभी हम राइट अवे स्क्रीन पर मैं आपको ले जाता हूं और बताता हूं कि किस तरह से हम यूट्यूब पर एड्स रन कर सकते हैं। यूट्यूब एड्स बताऊंगा, जैसे मैंने आपको अभी थियोरेटिकल आपने सुना है, तो चलिए हम इसको प्रैक्टिकल किस तरह करते हैं। तो इसके लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है कि जब भी आप YouTube पर एडवर्टाइजिंग करें, जब भी आप मार्केटिंग करें, तो बहुत ही इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट ये होता है कि आप जो है अपने चैनल को अपने Google AdWords अकाउंट से लिंक करें। तो सबसे पहले देखिए वो कैसे करेंगे। तो यहाँ पर आप क्लिक कीजिए टूल्स एंड सेटिंग्स पर, और यहाँ पर ऑप्शन रहेगा लिंक्ड अकाउंट्स, इस पर क्लिक कीजिए। और यहाँ पर क्लिक करने के बाद में आपको एक विंडो आएगा जहाँ पर आपके तमाम डिफरेंट टूल्स सेटिंग्स होंगे। तो इस तरह पर यहाँ पर जो ऑप्शन है YouTube, यहाँ पर क्लिक कर दीजिए डिटेल्स पर, और यहाँ पर आपको चैनल को कनेक्ट करना होगा। जैसे ये मेरे थोड़े चैनल्स है जो मैंने कनेक्ट किया है, आपको कोई भी चैनल आपको कनेक्ट करना हो तो आपको क्लिक करना होगा प्लस, और आपको चैनल URL देना होगा, और उसके बाद नेक्स्ट आप करेंगे तो दो स्टेप्स आपके आएंगे। एक स्टेप होगा कि क्या आप चैनल ओनर है या कोई और इसके ओनर है। तो अगर आप चैनल ओनर है तो उसको आप सेलेक्ट कर लेंगे और राइट अवे आप चैनल पर लॉग इन होकर अटैच कर सकेंगे। तो ये करने के बाद में आपको व्यू काउंट, रीमार्केटिंग, एंगेजमेंट,
तमाम चीजें आप ऑटोमेटिकली अपने चैनल से देख सकते हैं। तो ये सबसे पहले स्टेप आपको करना होगा यूट्यूब को, यूट्यूब का कैंपेन बनाने से पहले। तो चलिए अभी हम एक कैंपेन बनाते हैं और किस तरह से हम उन्हें करते हैं वो कॉन्सेप्ट को देखेंगे। तो सबसे पहले न्यू कैंपेन पर क्लिक कर दीजिए। यहाँ पर आपको क्लिक करना है विदाउट एनी गोल सेटअप और यहाँ पर आप सेलेक्ट कर लीजिए वीडियो। तो जैसे आप वीडियो सेलेक्ट करेंगे आपको कई सारे ऑप्शंस यहाँ पर मिलेंगे। ये तमाम ऑप्शंस गूगल एड्स के कैंपेन सेटिंग्स है। डिपेंडिंग ऑन आपका जो गोल होता है, आपका जो स्ट्रैटेजी है, उसके हिसाब से आप ऐड रन कर सकते हैं। तो कस्टम कैंपेन यानी इसमें आप हर चीज़ मिक्स होती है, जो आपको चाहिए वो आप रन कर सकते हैं। नॉन स्किपेबल इनस्ट्रीम ऐप जो हम यूट्यूब में देखते हैं जो स्किप नहीं होते हैं, इसी तरह आउटस्ट्रीम ऐप जो एक्सटर्नल वेबसाइट्स पर रन होते हैं, ड्राइव कन्वर्जन जो कन्वर्जन रिलेटेड कैंपेन होता है, एड सिक्वेंसिंग एंड शॉपिंग। तो अब हमारी रिक्वायरमेंट के हिसाब से हमें ये कैंपेन सेलेक्ट करना है। तो आप सेलेक्ट कर लीजिए कस्टम वीडियो और क्लिक कीजिए कंटिन्यू। ये हम ऑप्शन देखते हैं तो यहाँ पर मैं इसका नाम दे दूंगा वीडियो प्रमोशंस इंग्लिश। तो मैं एक इंग्लिश वीडियो प्रमोट करना चाह रहा हूँ और यहाँ पर आपका जो ऑप्शन है आपको सेलेक्ट करना है मैक्सिमम सीपीवी। तो अगर आप कहेंगे कि सर टारगेट सीपीएम लेने से क्या होगा, तो टारगेट सीपीएम अगर आप लेंगे तो बास कैंपेन्स हम रन नहीं कर सकते। तो यहाँ पर टारगेट सीपीएम क्या होता है कि 1000 इंप्रेशंस पर आपको पे करना होता है। ये 6 सेकंड्स बम्पर ऐड के लिए अप्लीकेबल होता है। और जो ऐड हम आप इंस्ट्रीम में प्ले करना चाह रहे हैं या ऐड जो हम सर्च यूट्यूब सर्च पर जो प्ले करना चाह रहे हैं वो ऑप्शन के लिए आपको लेना होगा मैक्सिमम सीपीवी। तो आप लीजिए मैक्सिमम सीपीवी और यहाँ पर आप डेली इस अमाउंट को खर्च करना चाह रहे हैं या आप एक कैंपेन का डेट आप एंड डेट रखना चाह रहे हैं जिसमें इतने दिन में आप इतना अमाउंट खर्च करना चाह रहे हैं, तो उसको कहते हैं टोटल बजट। लेकिन मैं डेली लूंगा तो क्योंकि मुझे जो कैंपेन का जो फैक्टर्स है जिस तरह से वो वर्क हो रहा है उसके हिसाब से मैं इम्प्रोवाइज करूंगा। तो 250 मैं डेली सेट करता हूँ। और यहाँ पर अब ये बहुत ही इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है कि आपको अपना ऐड कहाँ पर रन करना चाह रहे हैं। अगर अपना ऐड आप सिर्फ और सिर्फ YouTube सर्च रिजल्ट्स पर यानी YouTube के जो सर्च है वहां पर और डिस्कवरी पर, इन दो जगह पर, डिस्कवरी यानी कोई अगर आप दूसरा वीडियो देख रहे हैं तो राइट साइड पे आपको एक ऐड होता है तो उसको कहते हैं डिस्कवरी, और आपके होम पेज पर भी YouTube के एड्स आते हैं जनरली वो भी कहते हैं डिस्कवरी। तो आप अगर चाहते हैं तो YouTube होम पेज, यूट्यूब सर्च में या डिस्कवरी में अपना ऐड रख सकते हैं। या अब यहाँ पर इंपॉर्टेंट है कि अगर आप चाहें तो यहाँ पर देखिए YouTube वीडियोस यानी एड्स कैन अपियर ऑन YouTube वीडियोस, वीडियोस के साइड में चैनल पेजेस यानी जो आप चैनल सेलेक्ट करेंगे वहां पर, और YouTube के होम पेज पर, YouTube के होम पेज पर भी ऐड आएगा। यू कैन यूज इनस्ट्रीम एंड वीडियो डिस्कवरी एड्स। सो दो टाइप्स इनस्ट्रीम एड्स भी हम वीडियो के अंदर भी रन कर सकते हैं और वीडियो डिस्कवरी एड भी हम रन कर सकते हैं। और अगर आप चाहें तो और एक ऑप्शन है वीडियो पार्टनर, जो एक्सटर्नल डिस्प्ले एड्स में हमारा ऐड चला जाएगा, हम उसको नहीं लेना है। अब उसके बाद आप ले लीजिए जो आप लोकेशन टारगेट करना चाह रहे हैं। तो यहाँ पर देखिए कि जनरली डिपेंडिंग ऑन आपका जो सब्जेक्ट है उसके हिसाब से आपको लेना है और आपके क्लाइंट का जो बिजनेस है कहाँ पर वो ऑपरेट करते हैं वो उसके हिसाब से आपको लेना है। और अगर आप थोड़ा सा कम पैसों में खर्च, कम खर्च में अगर आप मार्केटिंग करना चाहते हैं और आपके ऑडियंस ग्लोबल है तो उस टाइम पर आप जो कंट्रीज में चीपर कॉस्ट होता है यूट्यूब एड्स रन करने का वहाँ पर भी आप रन कर सकते हैं, लेकिन आपको ऑडियंस क्वालिटी थोड़ी लो मिलेगी। जनरली हम ऑल ओवर इंडिया रन करेंगे तो कोई बात नहीं, इट विल वर्क आउट। उसके बाद आप ये सेलेक्ट कर लीजिए कि आप किस लैंग्वेज पर आपका ऐड दिखाना चाह रहे हैं, किस वीडियो पर, किस लैंग्वेज बेसिस के ऑडियंस को आप ऐड दिखाना चाह रहे हैं। तो मैं इंग्लिश सेलेक्ट करूंगा क्योंकि मैंने अभी जो प्रमोट कर रहे हैं वीडियो वो इंग्लिश में है, तो हम इंग्लिश ऑडियंस को ही इसका ऐड प्रमोट करेंगे। फिर इसके बाद आप स्क्रोल डाउन कर लीजिए और यहाँ पर इन्वेंट्री पर इसको स्टैंडर्ड रख दीजिए, तमाम चीज़ों को इसी तरह सेट कर लीजिए। हाँ, एक इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको बता देता हूँ, फ्रीक्वेंसी कैपिंग। अगर आप ये चाहते हैं कि आप एक दिन में एक पर्सन को आपका ऐड एक या दो बार ही व्यू कराना चाहते हैं, मल्टीपल बार उनको ऐड आप जो है व्यू करने नहीं देना चाह रहे हैं, तो उस टाइम पर आप फ्रीक्वेंसी कैपिंग लगा सकते हैं। या अगर आपका ऐड ही नहीं दिखाना चाह रहे हैं, इंप्रेशन आपके ऐड का इंप्रेशन ही नहीं दिखाना चाह रहे हैं, तो उस टाइम पर आप कैप फ्रीक्वेंसी भी कर सकते हैं। दो भी ऑप्शंस आपके लिए अवेलेबल है। तो यहाँ पर इंप्रेशन यानी आपका ऐड ही नहीं दिखेगा, ये जनरली हम 5 या 10 रखते हैं तो उसके बाद उसको, उस यूजर को ऐड नहीं दिखेगा। अगर उन्होंने व्यू किया अपना ऐड तो ठीक है, वरना ऐड तो नहीं दिखेगा। अगर आप उस पर्सन को सिर्फ एक ही बार अपना ऐड व्यू करवाना चाहते हैं तो आप व्यू कैप रख दीजिए 1, यानी अगर किसी ने आपका एक बार ऐड देख लिया तो उसके बाद वो दोबारा आपका वीडियो व्यू कर लिया उसने तो उसको फिर से अपना ऐड नहीं दिखेगा। ये भी हम कर सकते हैं, लेकिन अगर आप अग्रेसिव ग्रोथ करना चाहते हैं तो इसको आप रिमूव कर सकते हैं
और इसको जनरल पर आप रख सकते हैं। और आपका स्केड्यूल ऑफ द डे कब ऐड प्रिंट करना चाह रहे हैं पूरा दिन रख दीजिए। और हमारा ऐड बुक का नेम हम ले रहे हैं डिजिटल मार्केटिंग। अब यहाँ पर इसके बाद आप किन लोगों को अपना ऐड दिखाना चाह रहे हैं, सभी जेंडर को, मैं यहाँ से इन जेंडर को रिमूव कर दे रहा हूँ क्योंकि हमारे प्राइमरी ऑडियंस 18-34 के बीच में है, मेल और फीमेल बहुत। इसके बाद अब हमारे स्पेसिफिक ऑडियंस को हम नहीं लेना चाह रहे हैं, ऑडियंस यानी जो लॉन्ग टर्म इंटरेस्ट होते हैं उनको ऑडियंस कहते हैं। तो यहाँ पर मैं कीवर्ड बेस्ड टारगेटिंग करना चाहूँगा, यानी डिजिटल मार्केटिंग, व्हाट इज डिजिटल मार्केटिंग, यानी इन टॉपिक्स पर कोई भी सर्च करे, कोई भी वीडियो देखे तो मैं अपना वीडियो उनको ऐड के तरह दिखाना चाह रहा हूँ। डिजिटल मार्केटिंग कोर्स, डिजिटल मार्केटिंग ट्यूटोरियल, फिर हम यहाँ पे लेंगे डिजिटल मार्केटिंग फॉर बिगिनर्स। इस तरह से आपको थोड़े से कीवर्ड्स लेने हैं जिस पर आप अपना ऐड रन करना चाह रहे हैं। अगर आप चाहें तो टॉपिक भी ले सकते हैं। और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है दोस्तों कि अगर आप चाहते हैं कि प्लेसमेंट, यानी आप स्पेसिफिक यूट्यूब चैनल पर अपना ऐड रन करना चाहते हैं, जो आप ही के तरह चैनल होते हैं, जो आपके कॉम्पिटिटर्स के चैनल होते हैं, आप उन पर ऐड रन करना चाहते हैं, तो उन कीवर्ड्स के साथ साथ आप यहां पर डिजिटल मार्केटिंग सर्च करेंगे तो तमाम चैनल्स आ जाएंगे जो डिजिटल मार्केटिंग के रिलेवेंट है और आपका ऐड वहां पर ऑटोमेटिकली रन हो सकता है। तो ये भी हम यूज कर सकते हैं। तो मैं मोस्टली कीवर्ड्स पर यूज़ करता हूँ। अगर मुझे एग्रेसिवली अब व्यूज चाहिए, मुझे ज़्यादा से ज़्यादा व्यूज जनरेट करने हैं तो मैं उस टाइम पर प्लेसमेंट्स भी लेता हूँ और हमारे तमाम कॉम्पिटिटर्स के वेबसाइट्स पर हमारा ऐड हम मैं रन करता हूँ। तो प्लेसमेंट्स अगर आप देखिए किस तरह होता है, अगर मैंने यहाँ पर ले लिया मुझे कार्स के रिलेटेड टॉपिक्स चाहिए, मैं डिजिटल नहीं कार्स के लिए बता रहा हूँ आपको, तो ये देखिए यूट्यूब चैनल्स जो है रिलेटेड टू कार्स, ये तमाम यूट्यूब चैनल्स है कार्स के। इसी तरह अगर आप चाहे तो प्लेसमेंट्स, डिफरेंट प्लेसमेंट्स, डिफरेंट वीडियोस पे भी आप ऐड रन कर सकते हैं। ये डिफरेंट वीडियोस है, ये डिफरेंट वीडियोस है, लेकिन हर वीडियो कार रिलेटेड नहीं, थोड़े गेम्स भी होते हैं वहाँ पे। तो आप डिपेंडिंग ऑन ये ऑप्शंस आप तमाम जगहों पर अपने ऐड रन कर सकते हैं। तो ये भी एक चीज़ है, ये भी एक फीचर है, कहीं पर आपको यूज़ कर सकते हैं। और इम्पॉर्टेंट है आप एक व्यू पर कितना पे करना चाह रहे हैं, आपका जो बजट है वो कितना है। तो यहाँ पर बहुत सारे यूजर्स क्या करते हैं, पहले हम कम से स्टार्ट करते हैं, 25 पैसा से हम स्टार्ट करते हैं और देखते हैं क्या हमको व्यूज मिल रहे हैं या नहीं। अगर नहीं मिल रहे हैं तो हम थोड़ा सा उसको बिड बढ़ाएंगे। तो जब हम एक बिड बढ़ाते जाएंगे तो हमें एक बिड मिलेगा, एक प्राइस मिलेगा, जहां पर हमें ऑप्टिमल नंबर ऑफ व्यूज मिलेंगे हमारे बजट में, तो हम उसी को फिक्स कर देंगे। देखिए यहाँ पर 5 या 10 रुपये रखना बिल्कुल भी बेवकूफ़ी है, क्योंकि एक व्यू के लिए 5 रुपये पे करना बिल्कुल भी लॉजिकल नहीं है। तो आप उतना इन्वेस्ट बिल्कुल भी मत कीजिए, 25 या 30, चलिए मैं 50 पैसा रख देता हूँ। तो आप जनरली, क्योंकि मुझे पता है हमारे इंडस्ट्री में 50 पैसा ऑन एन एवरेज बिड होता है एक व्यू का, तो मैं इसी तरह वो ऑप्शन रखता हूँ। तो यहाँ पर आप देखिए, अब मैं वीडियो जो प्रमोट करने वाला हूँ वो ये वीडियो है, करीब 55 मिनट का वीडियो है। मैं इसको जो है इंडस्ट्री में तो हम ऐड नहीं कर सकते हैं, इसीलिए हम जो एक्सटर्नल है वहीं पर हम रन करेंगे। तो मैं इसको देखिए स्किपेबल, हम स्किपेबल भी ले सकते हैं। मैंने आपको बताया कि क्योंकि हमने दो ऑप्शन सेलेक्ट किए हैं तो हम एक ऐड स्किपेबल बना सकते हैं और एक डिस्कवरी। तो स्किपेबल ऐड वो होता है जो वीडियो के बीच में प्ले हो। तो आप मुझे एक बात बताइए, मेरा ऐड है 55 मिनट का, तो क्या आप एक्सपेक्ट करेंगे कोई आपका वीडियो 55 मिनट देखेगा विदाउट स्किप करके? वो इम्पॉसिबल है। वो थोड़े से ऐड, अगर जो मेरा एक ऐड रन हम करते हैं 55 सेकंड का ऐड है, उसके लिए हम स्किपेबल यूज़ करते हैं, इसके लिए नहीं यूज़ करना चाहिए। तो आप यहाँ पर ले लीजिए वीडियो डिस्कवरी, यानी वीडियो डिस्कवरी यानी मेनली जो आपका यूट्यूब चैनल होता है वहाँ पर जब यूट्यूब पर यूज़र सर्च करते हैं उस टाइम पर आपका ऐड यहाँ पर आएगा। और इसी तरह जब यूज़र व्यू कर रहे हैं वीडियो को उसके नीचे भी हमारा ऐड आएगा। तो मैं आपको सजेस्ट करूँगा कि आपको अगर अच्छे व्यूज़ चाहिए, अगर क्वालिटी व्यूज़ चाहिए, तो आप वीडियो डिस्कवरी पर स्टार्ट करिए, ताकि जो लोगों को आपको आपका कंटेंट पसंद आ रहा है वही आपका वीडियो देखेंगे। तो ये भी हमारे लिए बहुत ही एक्सेलेंट। तो ये बहुत ही एक हमारे लिए एक्सेलेंट ऑप्शन है। तो आप यहां पर क्या कीजिए, वीडियो डिस्कवरी ऐड कीजिए, जिससे आपका ऐड दो जगह पर, एक तो सर्च ऐड है, एक और अपना यूट्यूब का रिलेटेड ऐड हो जाएगा। तो यहां पर मैं इसको ले लूंगा अपना हेडलाइन, लर्न डिजिटल मार्केटिंग, डिजिटल मार्केटिंग ट्यूटोरियल फॉर बिगिनर्स। ये क्योंकि लॉन्ग हेडलाइन है तो मैं इसको ले लूंगा। उसके बाद डिस्क्रिप्शन,
अंडरस्टैंड द फंडामेंटल्स डिजिटल मार्केटिंग ट्यूटोरियल। और यहां पे सब्सक्राइब एंड वॉच मोर वीडियोस एंड वॉच फ्री वीडियोस। ऑलराइट, इसका ऐड का हम नाम रख देंगे और dm-english। ये हो गया दोस्तों। और यहाँ पर हमको टोटल 370 मिलियन इम्प्रेशंस मिल सकते हैं। उसके बाद हमारे व्यूज आएंगे 2400 से 7000 तक, अगर हमारा ये बिड है। और हमारे टोटल इम्प्रेशंस रहेंगे अप्रॉक्सीमेटली, एक वीक का डेटा है ये 47 to 1,70,000। और हमें एवरेज CPC रहेगा 22 to 50 पैसा। बजट स्पेंड होगा 100% और यूनिक रीच होगा 29,000 to 1,70,000 एंड ऑन टारगेट रीच होगा 29 to 1,20,000। तो ये हमारा ऐड रन हो चुका है, बस इसको आप यहाँ पर क्रिएट कर दीजिए और दैट्स इट। आपका YouTube कैंपेन जो अप्रूवल हो जाएगा तो इमीडिएटली वो ऐड रन होना शुरू हो जाएगा। और जब लोग यहाँ पर सर्च में सर्च करेंगे व्हाट इज डिजिटल मार्केटिंग, डिजिटल मार्केटिंग ट्यूटोरियल, डिजिटल मार्केटिंग बिगिनर्स, या वो कहीं पर वीडियो देख रहे हैं तो उसके राइट साइड में या नीचे हमारा ऐड आ जाएगा। तो ये दोस्तों बहुत ही इफेक्टिव वे है। अगर आपका चैनल नया है तो याद रखिए कि आपको 1000 सब्सक्राइबर्स गेन करने हैं और 4000 वॉचअवर्स गेन करने हैं हमारे आपके यूट्यूब चैनल को। तो आप जो अपना इनिशियल बेस में जो आपका चैनल ग्रो करने के लिए, ये बहुत ही इफेक्टिव, बहुत ही परफेक्ट वे है जिसके ज़रिए से आप ग्रोथ हासिल कर सकते हैं। होप, उम्मीद है दोस्तों आपको ये वीडियो पसंद आया। अगर आपको पसंद आया है तो प्लीज़ आप सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकॉन पर क्लिक कीजिए। और हमारे आप हमारी वेबसाइट भी विजिट कर सकते हैं webtrainings.in, जहाँ पर हम लेटेस्ट ब्लॉग आर्टिकल्स दिखते हैं, तो वो भी आप पढ़कर अपने नॉलेज को बढ़ा सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।